सो इफ यू सी ना कि होने का मतलब क्या है, क्योंकि जो वीकली बेसिस पे जो हम लोग सेशन कर रहे हैं उससे पहले देखिए, उससे पहले कोई ना कोई एक कुछ ना कुछ ऐसे रहता था कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन अवर लाइफ, डिस्टर्बेंस इज, दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, समथिंग समथिंग इज हैपनिंग, राइट? और वो चीज देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक, बट जनरली, अच्छा ये तो आपसे हुई है बात, जनरली मैनी पीपल हैज सीन दैट, मैनी एक्सपीरियंस दैट कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस ना, आफ्टर ऑल दिस जर्नी दे एक्चुअली आर हैविंग नथिंग, मीन्स नथिंगनेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, या कुछ हो क्यों नहीं रहा है जिंदगी में, नथिंग इज गोइंग ऑन एज टू डिस्कर्स ऑफ समथिंग विच इज गोइंग ऑन वेरी सीरीन और समटाइम बोरिंग, सीरीन और समटाइम बोरिंग लाइफ ऐसा हो जाता है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, शायद इसलिए ताकि क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमने ये पाया, द मोर यू आर सेल्फ फोकस्ड, फर्स्ट फर्स्ट फ्यू ईयर्स व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ, राइट? व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन सेल्फ एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स लाइक अवर स्ट्रेंथ, अवर वीकनेस, लॉट ऑफ थिंग्स, अवर अंडरस्टैंडिंग, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। और जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे वो चीजें क्लियर होती जाती है। एंड नाउ जब ये जो नथिंगनेस की फीलिंग आनी शुरू हुई है ना, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट ओके, अपने से तो हम बाहर निकल गए, मींस वी आर सो सेल्फ फोकस्ड नाउ कि वी आर, देयर इज नथिंग, अपने से बाहर निकल गया, अब क्या, अब आगे क्या, ये फीलिंग काफी लोगों को आती है, एंड दैट इज गुड, दैट इज अ गुड फीलिंग, यू कैन सी दैट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चेंज नहीं है एंड हमने उसको मान लिया कि कुछ नया तो होने नहीं वाला, तो एज इट इज चलने दो। बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो दोनों एक्सट्रीम हो गई, या तो चेंज नहीं है बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चेंज नहीं है तो डर रहा है, मतलब दिस इज गोइंग ऑन, तो अब ठीक है क्या एक्स्ट्रा क्या लाए बीच में, लेकिन अब जस्ट सोच के देखो इसको। सो आपका वीडियो प्रतिभा है कि नहीं, मतलब आर यू, आर यू बैंडविड्थ इज ओके, जब बैंडविड्थ ओके प्रतिभा आपका बैंडविड्थ ठीक है? जस्ट अ मिनट, मेगा मेगा वेलकम, मेगा आर यू देयर, कैन यू हियर अस? वोल्टेज कम है, पावर फ्लक्चुएशन बहुत है। अच्छा अच्छा मेघा कैन यू हियर अस? ओके, सो प्रतिभा ने भी एक बात ठीक बोली कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एवरीथिंग गोइंग गो लाइक दिस ओनली, तो फिर क्या क्या बोला जाए, क्या क्या किया जाए, तो इसको एक स्केल पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो एक जैसी ही लाइफ चल रही है तब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, सो ये दोनों एक्सट्रीम हो गया, एक जैसी लाइफ चल रही है तो आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं है, समथिंग इज गोइंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है जो कि हैपनिंग कहने लायक हो, सो दैट ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि डिस्टर्बेंस कह सके, हैपनिंग कह सके, समथिंग 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो ये दोनों चीजें एक्सट्रीम है, राइट? सो इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड बेसिकली ये दोनों चीजें जब आ रही हैं तो इसका मतलब दिस इज द टाइम व्हेन वी आर नीडिंग चेंज, दिस इज द टाइम फॉर चेंज। या तो एक जैसी लाइफ चल रही है उसके लिए कुछ चेंज करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल डू समथिंग, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है देन वी नीड टू डू समथिंग, ऐसे चेंज क्यों नहीं हो रहा है, then we need to do something, agar wo change itna ho chuka hai then we need to think about less what's next,
तो दोनों ही एक्सट्रीम में एक्शन इज रिक्वायर्ड. इट मींस समथिंग इज स्टेशनरी, या तो टर्मोइल स्टेशनरी हो गया है या शांति स्टेशनरी हो गई, दोनों स्टेशनरी हो गया. नीड टू डू समथिंग. हाय मेघा, हाउ यू? आवाज नहीं आ रही है. हेलो सर, गुड इवनिंग. वेरी वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू यू. गुड इवनिंग मेघा. मेघा की भी बैंडविड्थ आज कम है. सो आज उसी पे हम एक बात करने वाले हैं जो हम एक टॉपिक लिया था ना सरेंडर का. सरेंडर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सर, मैंने अपने अंदर एक चेंज पाया है. ओके. द चेंज इज कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गया है. अच्छा, पेशेंस आ गया. अच्छा, बहुत ज्यादा. मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टेम्पररी है या बिल्कुल मतलब सचमुच आ गया है. मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, बट एज फार एज आई कैन मेक आउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ पेशेंस ओनली. पहले क्या होता था, मैं बहुत जल्दी चीजों को हाउ टू पुट इट, बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी एज अ पावरफुल टेम्परामेंट की होने के कारण. क्या होता था कि पेशेंस तो आपको पता है पावरफुल पेशेंस एट ऑल, और चीजों को पता था कि अभी के अभी सॉल्व करना है थिंग्स एट दैट मोमेंट ओनली. कि मुझे किसी ने कुछ बोला या फिर मुझे कुछ फील हो रहा है तो आई वांटेड कि अभी मैं इसको बस सॉल्व करना ही करना है, मुझे चाहे जैसे भी सॉल्व करना है. और इसकी वजह से क्या होता था कि द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज पेशेंस नहीं था. बट नाउ व्हाट मुझे फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि ओके, इस चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड लेट मी थिंक ओवर और फिर देन आई विल टेक ओवर दिस सिचुएशन. तो जो so this is what I have found in मतलब change in myself. Very interesting. Because ये एक powerful के लिए patience आना एक बहुत बड़ा change है. Because that is something is required for that, और, that time. और एक point और add करूँगी कि बच्चों के साथ भी मेरा patience जो है वो काफी बढ़ गया है. मतलब patience अच्छा. level काफी बढ़ गया है. अभी वो चाहे जो भी करे, I am not bothered. Very nice. I give them a space कि okay fine, तुमको जो करना है करो, don't ask me for this. Because now you are good, now you can understand what is bad, what is good for you. Now you decide for yourself what you are doing is right or wrong. So मैं उनके कोर्ट में बॉल डाल देती हूँ and I don't bother. Wow. तो इससे तो obviously इससे बहुत बड़ा एक तो happiness का factor भी निकल के आ गया ना. तो you are not interfering in their life or you're not thinking that I am only responsible for them. But I am. Yeah. So, जो तो पिछली बार मेघा और मैं बात कर रहे थे detachment attachment की, ये बता दिया. आज मेघा ये subject ही लेके आ गई detachment attachment. You can see my face. You can see my face. My physical appearance will tell volume about my change in my personality. Absolutely. Or my temperament. Absolutely. And that is so this is what we are talking about. This is called detachment, right? जो अभी आपने किया ना बच्चों को जो स्पेस वाली बात कर रहे हो, एक्चुअली डिटैचमेंट का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि छोड़ देना, राइट? बट डिटैचमेंट इज सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट. नाउ यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर किड्स और मे बी फ्रॉम योर हस्बैंड और मे बी अदर पीपल. सो दिस इज अ फॉर्मुलेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिटैचमेंट हटने का, वो आज हम बात भी करेंगे. बट दैट्स गुड, आई अंडरस्टैंड. बट पेशेंस इज रियली सो ये कब से फील हो रहा है? इट्स बीन ये अ मंथ. ओके, सो यू आर राइट कि टेम्पररी है या परमानेंट है, इसके बारे में सोच के लगता है कि कहीं टेम्पररी तो नहीं है, कुछ टाइम के लिए होगा. एंड ऑफ कोर्स ये ऐसे ही स्टार्ट होता है. बट उसके कुछ ना एक
कुछ एलिमेंट होंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं ये क्यों आया, व्हाई यू आर बिकमिंग पेशेंट, व्हाई द पेशेंस इज देयर, क्यों आया है? द आंसर वुड बी कि लाइफ में जो मतलब आई वाज नॉट एट पीस विद माय सेल्फ, जो मैं हैप्पीनेस खोज रही थी वो मिल नहीं रहा था, इवन दो आई हैव एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डिजायर फॉर, सब कुछ होने के बावजूद भी नॉट एट पीस विद योरसेल्फ एंड विद योर सराउंडिंग्स. तो नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि जब सब कुछ मेरे पास है और फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जो सोचने का नजरिया है, द परसेप्शन व्हाट आई हैव अबाउट पीपल, अबाउट माय सराउंडिंग्स, अबाउट माय स्पाउस, अबाउट माय चिल्ड्रन, सो आई नीड टू चेंज अ बिट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, देन ओनली आई विल बी एट पीस विद माई सेल्फ. अंटिल एंड अनलेस आई अंडरस्टैंड, आई रेस्पेक्ट अदर्स टेम्परामेंट, आई रेस्पेक्ट माई चिल्ड्रन temperament, I will not be able to get that. So, मैं उस लाइन में सोच रही हूँ और मैं समझ रही हूँ कि नहीं, मतलब स्पेस, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन हैज टू बी गिवन और थोड़ा चेंज तो लाना पड़ेगा टू गेट दैट हैप्पीनेस. गुड, सो नाउ अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. सो यू नो हमारी मेगा वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल, राइट? दिस इज अ लाइव एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट, कि एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, सो एम्पथी जिसे बोलते हैं, या हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, और टेम्परमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है हम समझते हैं. टेम्परमेंट अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग अबाउट, इट इज ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स. दिस इज सो टेम्परमेंट नाम दे दिया उसको, बट मतलब क्या है, खुद को समझ के और दूसरों को समझ के. नाउ इसका रोल, सो इफ आई टॉक अबाउट रश्मि 1 जनवरी 2021 रश्मि 23 जुलाई 2021 is a complete shift from something to something right now, and that also is a powerful tip, which is very difficult to, you know, change sometimes because it's not easy. और इतने सालों की conditioning, इतने सालों का जो कुछ है उसके बाद. Now, if I ask you what is the role of understanding temperament in this journey, what do you say? अंडरस्टैंडिंग से ये मतलब समझ में आ रहा है कि until and unless you understand other people's temperament और their perception, और वो वैसे क्यों react कर रहे हैं the way they are reacting, तो there must be some reason. तो मुझे यही लगता है कि until and unless आप सामने वाले को समझ के अगर आप भी react करते हैं तो things are different. Yep. अगर बिल्कुल छोटे शब्दों में कहा जाए, जो दशमी ने बोला है, जो अभी लास्ट में वर्ड किया है, अगर आप तो रिएक्ट तो अभी भी कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अब आप रिएक्ट कर रहे हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देम. सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है. अगर हम देखें पूरे इसमें, अगर छोटे में कर पाए, यही इफेक्ट हुआ है कि यू अंडरस्टूड योर सेल्फ, यू अंडरस्टूड व्हाट द अदर पर्सन इज, एंड नाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग. And that has made a complete shift in life. If I say it is trigger, ये trigger किया और complete shift हो गया. Now क्या अब उसको उल्टा कर लेते हैं? इसका मतलब ये है, अगर life में से ये चीज हटा दीजिए आप, for example understanding self and understanding others, ये हटा दीजिए तो ज्यादातर problem इसी वजह से create हो रही है. Yes. If I उल्टा कर दूं इसको मैं, कि आपकी life में से ये निकाल दो. जो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ये निकाल दो, ये वाला फेस निकाल दो, देन व्हाट डू यू से? सो इट इज नाउ ऑपोजिट. अभी आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग में से वो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वाला टेम्परमेंट वाला पार्ट निकाल देते हैं, तो क्या होगा? बैक टू स्क्वायर वन. हाँ, बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन, जैसा चल रहा था फिर वैसे ही आ जाएगा. सो अगर इसको एक बॉक्स में डाल के देखें, इसका मतलब क्या हुआ? रश्मि 1 जनवरी 2021 को ऐसी थी, उन्होंने
अपने ऊपर काम करना शुरू किया फ्रॉम 1st January. She started understanding herself, she started understanding her weakness, strength, and then started seeing the other person, starting to understand her or his temperament, and then started responding and reacting that way. And today in this journey, 6 months after, she's saying that I am more happy, I am more contented, I am more satisfied, I am more patient. जबकि हमने ना तो पेशेंस पे काम किया था एक्चुअली फोकस लेके, ना काम किया था किसी और के ऊपर. आपके बच्चों में कोई, आपके बच्चों में कोई बदलाव ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए किया गया हो, जो आपके पेशेंस को डेवलप करने के लिए आपके बच्चों ने कोई बदलाव किया, आपके फ्रेंड को बदलाव किया, आपके लोगों ने कोई बदलाव किया. दैट इज अ कंप्लीट शिफ्ट हैपेंड इन यू एंड दैट चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव आउटसाइड. अब जब हम उस वर्ड को बोलते हैं कि आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड, या आवर आउटसाइड वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइड वर्ल्ड, हाउ ट्रू इट इज. ये इट इज वेरी ट्रू सर. जब तक अंदर से आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं तो बाहर आप दिखा नहीं पाएंगे, और अगर आप बाहर खुश नहीं है तो आप अंदर भी खुश नहीं रह पाएंगे. सो इट इज वेरी ट्रू कि आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चेंज, चाहे आउटसाइड हो या इनसाइड हो, चेंज तो लाना पड़ेगा. ओके, एक चीज और इस पर फोकस करते हैं. ये क्यों बोल रहे हैं ताकि क्योंकि हम लोग समझ पाए इस चीज को. ऑब्वियसली ये तो हुआ है कि रश्मि का जो एक्शन है ना उसमें चेंज आया है, बिकॉज रिएक्शन जो आपको मिल रहे हैं अब और जो आपको रिएक्शन मिल रहे थे पहले, राइट, उनमें भी बदलाव आया होगा. यस, तो यानी कुछ तो आपके एक्शंस में चेंज आया है. डेफिनेटली. अगर उस चेंजेस को क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वो क्या चेंजेस आए मेरे एक्शन? सर मैं बस एक ही चीज समझ पा रही हूँ कि मैं जैसे पहले रिएक्ट करती थी, मैं अब वैसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. Absolutely, absolutely. And this is one of the biggest change. So we call it one of the biggest change you have in your reaction. कितनी छोटी सी बात है. You have changed the reaction pattern, and this whole big thing का कम से कम 70-80% पार्ट आपके रिएक्शन से आ रहा. अब आज उस चैप्टर को नहीं ले रहा था, लेकिन वो रश्मि ने बोल दिया तो हम उस चैप्टर को ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन विंडो. सो इट इज कॉल्ड रिएक्शन विंडो. इसको समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे किसी ने ये भी कहा था कि ना, मैं जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं अचानक यू नो आई कम आउट एंड रिएक्ट लाइक दिस. रिएक्शन विंडो का मतलब क्या होता है? ये है एक्शन, ये है रिएक्शन. ये समझ लीजिए, दिस इज समथिंग. ये बीच का जो गैप है ना, इसको बोलेंगे रिएक्शन विंडो. जो बीच का, इन दोनों के बीच का गैप है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन. सर ये आपने EFT वाले क्लास में डिस्कस किया था. यस, यू रिमेम्बर? यस. अब आप सोचो वो प्रैक्टिकल में आपके साथ हो रहा. दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ दैट. मेगा, यू रिमेम्बर रिएक्शन विंडो की बात की थी हम? So, ये अब now it is practically happening in our life. अब क्या किया, जैसे जैसे ये विंडो बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे रश्मि is feeling more contented, satisfied and patient and happy. क्या विंडो बड़ी हो रही है? रिएक्शन विंडो. अब जहां पर ये रिएक्शन विंडो जितनी छोटी है उतना प्रॉब्लम है, जितनी छोटी है. क्योंकि आपका फ्यूज, जिसे बोलते हैं फ्यूज, हमारे अंदर भी जो फ्यूज होता है, इतना छोटा है, समथिंग कम्स एंड इट ब्लोज आउट. बट अब वो फ्यूज बढ़ गया, और वो बढ़ा है कॉम्प्रोमाइज से नहीं बढ़ा है, फ्यूज वो एडजस्टमेंट से नहीं बढ़ा है, वो अंडरस्टैंडिंग से बढ़ा है. एंड द फ्यूज जितना बढ़ता गया आपका, आप उतने टॉलरेंट भी होते जा रहे हैं, उतने आप अंडरस्टैंडिंग भी होते जा रहे हैं, उतना आपका रिएक्शन पैटर्न भी चेंज होता रहा है. एंड इट्स अ थिंग. सो Yes, so हमने क्यों लिया रश्मि को? Because she's working on that and feeling the changes. That's why we are taking the live example of Rashmi. हाँ, ऐसा हो रहा है. और specially the अब सबसे ज्यादा reaction window छोटी किसकी होती है? Powerful temper. Powerful और popular दोनों की reaction window सब छोटी होती है.
because even सामने वाला कुछ बोलने वाला भी होता है ना, उससे पहले ही उनका रिएक्शन आ जाता है। बोलने की बात तो बात की बात है, सामने वाला कुछ बोलने की पोजीशन में ही होता है, उससे पहले रिएक्शन आ जाता है। इतना फास्ट होता है रिएक्शन विद द पावरफुल का। बट अगर वो चेंज आ रहा है, दैट इज अ ह्यूज चेंज एंड फॉर दैट। सो वी हैव, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द स्मिथ एग्जांपल, कि जो रिएक्शन विंडो वाला पार्ट है ना, उसको हमेशा याद रखिए, वो रिएक्शन विंडो का। अच्छा, वो जनरली जब हम किसी को बताते हैं, जैसे ईएफटी में हमने बताया, जनरली किसी को बताते हैं कि रिएक्शन विंडो बढ़ानी है, जैसे मोटिवेशनल सेमिनार, आपको रिएक्शन कम करना चाहिए बोलते हैं, नहीं हो पाता लोगों का। कैसे रिएक्ट कम कर दू, सामने वाला मुझसे ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे कैसे नहीं बोलू, जवाब नहीं दू, चुप रहा हूं, ये उनके रिस्पॉन्स आते हैं। क्योंकि बेस क्या है, बेस है अंडरस्टैंडिंग, ना कि रिएक्शन। रिएक्शन वो तो पकते हैं, रिएक्शन तभी चेंज होगा जब आपके अंदर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट एंड वर्किंग ऑन योरसेल्फ। सो ये आपस में लिंक्ड है सारी चीजें, एंड इट्स समथिंग वेरी नाइस। अब जो बच्चों की बात की रश्मि की, मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूं, सो दैट वी नो दैट वेयर वी आर गोइंग। आज एक कोट शेयर किया था मैंने फेसबुक पे, आपने देखा होगा, आवर किड्स डोंट लिसन टू अवर वर्ड्स, आपने वो कोट देखा होगा। उसमें जूडी एलन जो है वो बोल रही है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि वो हमारे एक्शंस को बहुत नजदीक से देखते हैं। अब आप सोचिए, आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने साथ, उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पर जा रहा है। Now, this is we need to see. उसका रिफ्लेक्शन जा रहा है बच्चों को, ऑटोमेटिकली जा रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना आप बोलोगे उतना कम वो सुनेंगे, लेकिन जितना आप करोगे उतना जल्दी वो सीखेंगे। अगर ये फंडा समझ में आता है, ये क्लैरिटी समझ में आती है, तो हमें एक चीज और समझ में आती है कि यस, जो चीजें हमें अपने बच्चों को सिखानी है या हम बच्चों में इंकल्केट करना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, वी नीड टू वर्क ऑन इट फर्स्ट ourselves, नहीं तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, उल्टा पड़ेगा आपको। आप बोल रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, आपके बच्चे इसको हिपोक्रेसी समझ लेंगे, हिपोक्रेट हो आप डुअल पर्सनैलिटी में रहते हो, आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। इसीलिए पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल भी कह सकते हैं और चैलेंजिंग भी कह सकते हैं, काम होता है खुद के ऊपर काम पर। अब इसको ऐसे भी देख लीजिए, अगर खुद आप परेशान हो, अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो ट्रांसफर आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू कि आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे नहीं करते हो, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम देम, और वो अपने एडल्ट लाइफ में ऐसा बहुत कुछ करेंगे जो आपसे सीखा हो। सो दैट्स हाउ दिस ऑल मैकेनिज्म वर्क। हाय शिवा, हाय रंजना जी, आप दोनों आ चुके हैं। शिवा आप हैं यहाँ पर? You are you there? Okay. Can we see you? Shiva, can we see you? Shiva ने हाथ लगा कर दिया, मैं हूं लेकिन फोटो में नहीं। ओके, नो, नॉट एन इश्यू, जस्ट आस्क, आई नो यू आर इन द शॉप। ओके, दैट्स ग्रेट, सो लेट्स वर्क ऑन समथिंग। गिव मी सेकंड। Hi Megha, all well? Yes. How are kids? Much better. I want my experience. Much better? Pehle se? Much better. Actually, what I do now, I do acting. I become powerful mother for some time. Okay. I also stop reacting. So, are they reacting? No, I don't react now.
नो नो बच्चे बच्चे जो मैंने बोला कि ऐसे करके देखो आर दे डूइंग दैट यस एक्चुअली हाफ एन आवर में नहीं होता है होमवर्क उनका व्हाट आई डू दे बिकॉज़ दे बोथ आर नॉटी दे डोंट सिट इन वन प्लेस सो दे कांट सिट इन वन रूम एंड आई कांट एक्सपेक्ट देम बोथ टू डू होमवर्क इन सेम प्लेस सो व्हाट आई डू फर्स्ट वन कम्स देन आई टेल टेल हिम दैट यू हैव अ ब्रेक नाउ दीदी विल डू Then she comes, then when he comes, then she has a break. So alternate they come to me, and beech mein unko break milta. Okay. So I cover all their subjects. Okay, good. That's good. Good. That's it's good. A welcome change. Yes, and these experiments, you know, these experiments it's we experiment. Have, you know, these are experiments we have to do with ourselves. Yehi hai wo experiment. Aur ye experiment bhi aap tabhi kar pate ho when you are comfortable with yourself. Yeah. Nahi to aap experiment bhi nahi kar paoge. क्योंकि आपको लगेगा दिस इज माय मैं ऐसा क्यों करूं ऐसा ही होना चाहिए बट एक्सपेरिमेंट कौन कर पाएगा जो ही इज सीइंग द वर्ल्ड इन अ वेरी न्यूट्रल वे ही इज वर्किंग ऑन एंड ही इज रेडी ही इज फ्लेक्सिबल ओनली दोज पीपल कैन डू एक्सपेरिमेंट्स अदरवाइज एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते सो बेसिकली जो आज बात शुरू हुई थी ना वो बात शुरू हुई थी कि लाइफ जैसे पीछे से प्रतिमा ने डिस्कस किया कि पीछे से ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया कुछ चेंज नहीं है एंड लाइक पिछले हफ्ते वी आर जस्ट थिंकिंग दो तरह से चेंज नहीं होते एक तो लाइफ में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसे कहते हैं ना कि क्रिबिंग करने को क्रिटिसाइजिंग कर सो क्रिबिंग क्रिटिसाइजिंग एंड ब्लेमिंग ये जो वर्ड्स हैं यही वर्ड्स लाइफ में से निकल जाए तो यू नो किस चीज को क्रिप करोगे किस चीज को क्रिटिसाइज करोगे किस चीज को ब्लेम करोगे आज वो है नहीं कुछ बात करने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो एक तो वो चीज है और दूसरा कुछ भी बदला नहीं है वैसे का वैसा है तो भी बदलाव नहीं दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वहां से हम पहुंचे रश्मि के एक्सपेरिमेंट्स पे एंड देन मेगा के एक्सपेरिमेंट्स पे सो इट्स वंडरफुल कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट सो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं एक चीज आपसे शेयर करनी थी बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल मास 30 अगस्त को जन्माष्टमी है एक महीने बाद और जन्माष्टमी को ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है ज्यादातर लोग आई थिंक गवर्नमेंट में भी छुट्टी होती है कई जगह छुट्टी होती बट वी आर थिंकिंग क्योंकि सैटरडे संडे बहुत बिजी होते हैं मेरे जो हम एक बात कर रहे थे ना गेट टुगेदर की एक हमारे ग्रुप के गेट टुगेदर की जस्ट फन वाले गेट टुगेदर की इट्स नॉट अबाउट फीलिंग फ्राइडे इट्स फन टाइप थिंग तो मेरे दिन में ये विचार आया कि क्यों ना जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी के बर्थडे वाले दिन Let's have a get together on a different time. और उस दिन काफी सारे लोग जो होंगे वो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनका फ्री हो सकता है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो फ्री हो सकते हैं ऑब्वियसली जो 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 जिनकी शॉप्स होंगी वो भी तो टाइम जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो है 11 o'clock 11 to 12:30 का टाइम इन द मॉर्निंग राइट So 11 to 12:30, we are having a celeb. So उसका नाम Feeling Friday तो नहीं हो सकता because Monday, right? Feeling Friday हम already करेंगे. उसका नाम होगा Celebrating Humanity. तो Humanity के celebration करते हैं जिस दिन कृष्ण जी पैदा हुए, right? So ऐसा कुछ मेरे thought दिमाग में आ रहा था. How is it? How is this this thing? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया है sir. What do you say, Mega? Yeah, you're in. Very good. Mega, what do you say? Very good. Hai na? I think we are 72 or something, more than 75. Yeah, we are having a lot of people there. Let's see. So, Prithibha ne bhi yes kar diya. Shiva, aap sun rahi hai kya? So, it is. So, I don't know, kyunki time gap ho sakta hai, kahin hoga, kuch bhi ho sakta hai, but you know, we have to set up a time. So, it is. 11 o'clock on 30th August. We have a lot of time. तब तक हम बात भी करेंगे. शिवा ने भी ऐसे कर दिया. रंजना जी आप सुन रही हैं क्या? So okay. So उस दिन, what we are doing is we are just meeting. And as we are always telling that we are a fellow travelers. तो कहीं बैठ के ढाबे पे खाना खाते हैं ना fellow travelers मिलते हैं ना बीच में कि सफर कर रहे हैं सारे. कुछ पीछे रह गए कुछ आगे चले गए एक ढाबे पे मिलते हैं चलो एक मिलके खाना खाते हैं चाय पीते हैं एंड यू नो एक गेट टुगेदर करते हैं
तो 30th अगस्त आई थिंक इज अ टाइम जब सो आई नीड टू सो मैंने देखा फ्राइडे 30th इज नहीं मंडे अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा आप जुलाई में देख रहे हो. आप जुलाई में देख जुलाई की बात नहीं कर रहा हूँ. 30th अगस्त इज मंडे. I'm talking about August. It's a one month बात की बात करो. अब तो जल्दी हो जाएगी क्योंकि टाइम मैंने क्या लिखा. नॉर्मली जो लोग हैं या सब लोग ज्यादातर अवेलेबल क्यों नहीं हो पाते फीलिंग फ्राइडे में क्योंकि ये बीच का टाइम है तो काफी लोग नहीं आ पाते. सो ऐसा टाइम रखें जब पर सब लोग प्रेजेंट हो. तो मैंने छुट्टियां देखी 15 अगस्त छुट्टी है संडे है. यू नो राखी 22 अगस्त छुट्टी है संडे है. 22वीं संडे है. मैंने दोनों चेक कर लिए फिर मैंने देखा और क्या हॉलीडे बच गया. एक बच गया बस वो बच गया 30 अगस्त. 15 अगस्त वो भी संडे. 22 अगस्त वो भी संडे. दोनों संडे निकल गए विच आर नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती है. तो कोई छुट्टी तो ऐसी आनी चाहिए वर्किंग डे में आए. तो वो आई 30 तारीख जन्माष्टमी. एंड जन्माष्टमी वॉज सो आई थिंक यस ओके जन्माष्टमी है तो एक बार देख लेते हैं जन्माष्टमी के टाइम पे. It is also a festival time, so we just enjoy the things. And let's see that how many people can join us and whatever we can do. So we will just celebrate. So the theme of that thing is celebration, right? Celebration. Krishan ji ka jamdin to hai. Saath mein celebration of humanity, celebration of our humanness, celebration of our best qualities we have. So ek थॉट है वो जो मैं अभी एक पोस्टर बना के शेयर भी करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर. लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन जॉइन. और उस दिन के लिए इसमें आप भी तैयारी करें कुछ कुछ बनाए नया लिखें. मेगा आप भी जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डू समथिंग. आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. उस दिन कोई हमारी इन चीजों पर डिस्कशन नहीं होगी. उस दिन डिस्कशन होगी लेट्स चीयर अप ईच अदर. लेट्स यू नो डिस्कस थिंग्स. इट विल बी अ positive environment, is happy environment, and let's see what we can do. So Pratibha, Shibha and Ranjan ji, this is because aap yahan par hain to aapko ye first prima facie aapke usme ja raha hai ki 30th august ko we are thinking a virtual get together just to celebrate the humanness, celebrate the things so that hum apne usko celebrate kar paye. So aap apne apne cheezon ko note kar le. Let's see what we can. So this is one thing. Okay. Now, as per our topics, what we are going to discuss, जिसमें हमने तीन टॉपिक्स की बात की थी. एक बात की थी सरेंडर की. सरेंडर के ऊपर हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं. पिछली बार मेरी और मेघा की काफी लंबी बात हुई. अच्छी सेट की सरेंडर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. वी टुक इट दिस टाइम की सरेंडर की. सरेंडर है क्या चीज, भला क्या है, क्या है सरेंडर और सरेंडर से होता क्या है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ, आप कुछ शेयर कीजिए. एंड वी कम टू नो सरेंडर है क्या. एंड देन वी टॉक अबाउट डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट ऑल्सो, जो हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं. सो इन दो टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या एंड व्हाई. सो मेगा वी कैन स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन जहां पर हम लास्ट में छोड़ी थी. जो सरेंडर की बात हम कर रहे थे, सो यू आर आस्किंग समथिंग राइट. Because we were talking about surrender. So we can start discussion from there. This surrender ka kya matlab hai surrender ka? Kyun hum surrender ki baat kar rahe ho? Confusion kahan hai usme? Yes, sir. Sir, I gave it a thought and I was kind of not working on it, but thinking about it itself you got me in a very different state of mind. Uh-huh. Because what I was coming up with was a law of attraction, that you know, what we wish, we what whatever wishes we have, and we have those wishes, so that we try to attract them. So that law of attraction. So I was working on that law of attraction, but then I heard about surrender from you. That what surrender is. So these two things are lacking. So I am getting little clarity of thought. Yes, I am getting, but obviously these two are clashing. So how do you justify these two? Like, they are opposite things. Law of attraction says that we need to wish whatever things,
want in life, we can get them. We can get good things in life. And it is like a list of wishes. And we don't know what is good for us. We don't know what is good for us. Sometimes we ask for things which are not good for us even. So this concept of surrender that you were talking about, that from doer, we become observer. Yeah. So, and we say, we be in a state of mind of surrender, that whatever will happen good for me and my family. Yeah. So it is very opposite to that. So that is what I have a question. Right. So, Rashmi, are you there? Yes, sir. So, did you hear what he said? Sir. Yes, sir. Completely opposite post. So it's giving me a clarity, but still, obviously, it will take time. सर ये जो मेरा केस है क्या ये सर सरेंडर के कैटेगरी में आता है क्या? ओके, आई थिंक एक बार क्लियर करते हैं तो हमें पता लगेगा कि क्या चीज है और आज क्लियरिटी मिल भी जाएगी. सरेंडर का मतलब क्या हुआ? सरेंडर का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे सरेंडर को? क्या बोलते हैं उसको? है मतलब समर्पण. समर्पण, राइट. समर्पण, यस. हाँ, समर्पण कर. अब आप देखो, पुलिस के सामने समर्पण कर दो और गॉड के सामने समर्पण कर दो, फर्क है? यस, राइट. है तो समर्पण ही, नाम दिया हुआ समर्पण. लेकिन जब आप बोलते हो कि यू शुड बी समर्पित टू ह्यूमैनिटी एंड यू शुड डू समर्पण इन फ्रंट ऑफ यू नो law enforcement or police or your you know some people who are you are fighting with, दोनों में फर्क हो जाता है. जैसे अगर हम सोचते हैं पाकिस्तान आर्मी ने हमारे सामने समर्पण कर दिया, इसका मतलब उसने हार मान ली, राइट? हार मान ली उसने. आईसीस से समर्पण कर दिया, हार मान ली उसने. और जब हम समर्पित करते हैं भगवान को अपने आप को, तो हमारा उल्टा हो जाता है वो, एवरीथिंग इज उल्टा. यू नो, सो नाउ वी गॉट सी दैट दीज टू समर्पण्स आर द सेम वर्ड and have the same meaning. But आप कर किसको रहे हो उस पर फर्क पड़ता है. किस चीज पे समर्पण कर रहे हो, किस चीज पे आप सरेंडर कर रहे हो. सो जब हम यहां जो सरेंडर की बात कर रहे हैं ना, वो है सरेंडर टू द बिगेस्ट फोर्स देन ऑल ऑफ अस, उसकी बात कर रहे हैं. नॉट टू एनी ह्यूमन, नॉट टू एनी एजेंसी, not to any situation or something. We are surrendering to the biggest force of all. And when you surrender there, actually may you are actually become more powerfully congressman. You are becoming more empowered. Because aapne kisko samarpan kiya, jo sab kuch chala raha hai. You are putting the things. So example deta hoon. You know, some people are, so मैं काम भी करता था उनके साथ, एग्जाम्पल है. एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्लान्स, दे आर मेकिंग द कंप्लीट. तो उनका एक एक स्ट्रक्चर, सी इज इन अ बिजनेस, एक एक स्ट्रक्चर ऐसा था जो उनके दिमाग से निकलता था. और ही नोज व्हाट टू डू, व्हेन एंड व्हाट, एवरीथिंग बिल्कुल टाइट, जिसे बोलते हैं ना मार्केट का सर्वे, सब कुछ, मतलब कब क्या होना चाहिए, किस तरह की एक एक चीज लिखी हुई, परफेक्शन जिसे बोलते हैं. Everything is tight, but whatever he is looking for results, वो नहीं आ रहे थे. तो उसने बार-बार चेंज किया अपने आप को, बार-बार ये किया, वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना चेंज करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे. Then जब कुछ समझ नहीं आया तो he is changing a lot. He's changing, okay, क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, क्या नहीं हो रहा है. After 6-7 years, then after 6-7 years when the results are not coming, he is now becoming very frustrated ki result kyun nahi aa rahe hain, and now he is saying ki kuch to gadbad hai, kahin to gadbad ho rahi hai, something, and still he wants to usko theek karne ki sthiti. At that particular time we sat and discussed ki aapne itni planning se kaam kiya hai fir bhi result nahi aa rahe, to kya ho sakta hai, matlab yani aap pura control aapke paas hai, sab kuch aap जैसा चाहते हो वैसा ही होना चाहिए आपके हिसाब से, आपने बनाया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आए, तो क्या रीजन हो सकता.
अब आप सोचो सब कुछ परफेक्ट, पावरफुल परफेक्ट है, सब कुछ मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए, वो सब कुछ प्लान है, सब कुछ है आपके सामने, सब कुछ है, बट वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो आप चाह रहे हो, बार बार वो नहीं क्रिएट हो रहे, क्या रीजन हो सकता? सब कुछ रिटन में है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपके साथ है, सब... पार्डन? Yes, that Megha. Time has not yet come when that work. That time has not yet come for that time. Work to happen. Yes. So, वो time किसके हाथ में है? आपने तो planning किया, आपने तो plan किया ही था ना, आपने तो ये plan किया था 2 साल में ऐसा हो जाएगा. The Almighty. Yes. अब वो time किसके हाथ में? किसने कहा था 2 साल में ऐसा हो जाएगा? आपने. और आपने वो सब कुछ किया जो 2 साल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. फिर आपने उसको बढ़ा के कर दिया 3 साल, फिर भी नहीं हुआ. 4 साल, फिर भी नहीं हुआ. 5 साल, फिर भी नहीं हुआ. अब आप क्या कर रहे हो? आप प्लानिंग करते जा रहे हो और साथ में कंट्रोल रखते जा रहे हो. एक भी बार उस बंदे ने ये नहीं सोचा होगा, या सोचा नहीं तो आपने बात की थी कि यस वट एवर आई एम डूइंग आई कैन डू अप टू अ लिटिल अप टू अ एक्सटेंट, मैं इतना ही कर सकता हूं, बाकी तो. तभी आपने वो वर्ड सुना होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सुना है आपने? यस सर. अब ये क्या है? ये तो वही है ना, आप प्लान तो करते हो, सब कुछ प्लान करते हो, लेकिन जो होता है मंजूरे खुदा होता है, मंजूरे खुदा होता है. अब ये जो मंजूरे खुदा है ना, ये है समर्पण. वो सब कहते भी है ना कि जैसे कुछ भी है, मतलब आपका सोचना, आपका मतलब दुखी होना या किसी भी चीज की डिजायर, आप उस भगवान को समर्पण कर दो कि हमने आपको अपनी डोर दे दी है, अब yes. आप ही करना है जो कुछ करना है. तो दैट इज अ सरेंडरनेस ओनली. अब वो जो समर्पण है वो हाईएस्ट फॉर्म है प्रतिभा, लोएस्ट फॉर्म नहीं है, वो हाईएस्ट फॉर्म, राइट? यानी समर्पण इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हाईएस्ट फॉर्म में ले जाता है आपको. लेकिन अगर यहां पर क्या केवेट क्या है, अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए बिना ही सरेंडर कर दिया, राइट? सो वो तो हो गया, अब काम टालने वाली बात. ये वो जो आप करो जी, अब मैं नहीं करता इसको, आप करो, ये हो गया ये. सो दिस इज नॉट सरेंडर, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन. आपने भगवान को डेलीगेट कर दिया, फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हो. कैसे? इतना काम भगवान कर देंगे, इतना बाकी मैं कर लूंगा, फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूं. सो दिस इज नॉट सरेंडर. तो सरेंडर इज ओके. अब मैं सरेंडर का एग्जांपल देता हूं. इंटरव्यू चल रहा है, रियल लाइफ में सरेंडर कैसे हो? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू होने वाला है आपका, और आप रात में परेशान हो बिकॉज आपको वो चाहिए, वो जॉब चाहिए, बिकॉज आप जॉब लेस हो, आपके परिवार कैसे चलेगा, आपको जॉब चाहिए, एंड यू आर वेरी यू नो दिस थिंग कैसे चलेगा, कैसे होगा. और आपने इंटरव्यू जब देने गए, बहुत परेशान थे, इंटरव्यू दे दिया, देने के बाद आप घर पे आ गए और घर आके चिंता आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हे भगवान जे वो जिन्हों आप बैठे हो, भगवान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है क्या करूं कैसे करूं, किसी तरह से वो जॉब मिल जाए. आप दूसरे किसी फोन करते हो, यार मैं इंटरव्यू तो अच्छा दिया था, तेरे हिसाब से क्या होता है, क्या होना चाहिए, सब कुछ कर रहे हो. नाउ दिस इज दिस यू कॉल सरेंडर, और इज दिस यू कॉल वरिंग एंड स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल. Worrying and trying to control. अब इसको उल्टा कर लेते हैं, अब इसको उल्टा कर लेते हैं. आप चिंतित थे, आपने जाके वहां इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में आपने वो सब कुछ बोला जो आपको बोलना चाहिए था, वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए, सब कुछ जो आप कर सकते थे. अब आप वापिस आ गए वहां से, और वापिस आके आप कमरे में बैठे हैं और आप कह रहे हैं ओके आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड नाउ आई एम सरेंडरिंग टू यू. Whatever the result will come, I will accept. जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा. एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अनदर इंटरव्यू. अब आप समझे सरेंडर की वैल्यू. अब मैंने आके ये नहीं कह रहा हूं मेरे को यही जॉब मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, बिकॉज हो सकता है
ये जॉब जो आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए इंटरव्यू देने गए थे, हो सकता है किसी भी वजह से ये जॉब अभी जो आपको अच्छी लग रही है अच्छी ना हो आपके लिए, और अगर आपको नहीं मिलती है तो इट इज बेसिकली अ गुड, बिकॉज आपने सीखा उससे कि मैंने क्या गलती की और आप दूसरी जगह अप्लाई करते हो, राइट? कितनी बार आपके सामने हुआ होगा कि ऐसा ही मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो ना, आकर्षण का नियम, उसको यूज करके अपनी लाइफ में वो चीजें ले ली जो उनको चाहिए थी, लेकिन सरेंडर नहीं किया। अब समझिए, सरेंडर नहीं किया और वो चीज उनके पास आ भी गई, आने के बाद उन्होंने लगा यार ये तो दिस इज नॉट राइट, आई एम नॉट हैप्पी, मैंने ही ली है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैंने ही पाया उसको, लेकिन पाने के बाद मुझे लगा यार मजे नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा। अब यहां पर क्या फर्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और आपके सरेंडर में? आपने खींच तो लिया वो, बिकॉज आपने बार बार अपने माइंड को मैनिपुलेट करके, आपको वो लिख के ये बोल के आपने खींच तो लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि क्या ये मेरे लिए सही है। तो स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये थी, आई वॉन्ट दिस जॉब एंड माई प्रेयर टू गॉड इज और मेयर ऑलमाइटी इज और व्हाटएवर यू कैन से दैट एनर्जी इज, मुझे ये जॉब चाहिए, अगर ये मेरे लिए ठीक है तो मुझे मिल जाए, और if this is good for me it will come in my life, this is my last samarpan wali jo wo hai, kya kehte hai usko aap, samarpan wali jo stage hai jahan par aap law protection ki baat karte, this is, if this is good for me it will come in my life. ab maine kya kar diya sath mein, uske sath ek condition kya jod di, agar wo theek hai to aayegi meri life and I surrender. ab maine puri koshish ki, try ki, लेकिन वो नहीं आई तो मेरे दिमाग में क्या चीज आई, ओके आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, इट इज नॉट कमिंग, मे बी इट इज नॉट गुड फॉर मी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग। अब यहां पर ना बहुत विरोधाभास है, इट्स अ वेरी वेरी विरोधाभास है, यहां पता कैसे विरोधाभास है, सम पीपल से यू हैव टू डू, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पीछे नहीं पड़ोगे, जब तक आप स्वेट ब्लड नहीं लगाओगे, आपको गोल मिलते नहीं, ये विरोधाभास। जो लोग मेहनत की बात कर रहे हैं, जो वर्कहोलिक्स हैं वो बात कर रहे हैं, जो खासतौर पावरफुल्स हैं, जो एक्शन के बिना नहीं मानते, वो कहते हैं जब तक आप करोगे नहीं तो ये भगवान को जरूर छोड़ देना सकते। दूसरा विरोधाभास देखिए, जो चीज आपको डिफिकल्टी से मिल रही है दैट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू। अब ये दूसरा पैराडॉक्स है, जो आपको आपकी लाइफ में आना होगा ना वैसे वो स्मूथली आएगा, स्मूथली इन द सेंस, स्मूथ का मतलब ये नहीं आप हार्डवर्क नहीं करोगे, हार्डवर्क तो करोगे लेकिन उसमें ना वो नहीं होंगे, क्लैशेस नहीं होंगे उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, एंड इट विल कम टू यू लाइक दिस एंड यू विल बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस। जो चीज आपके धक्के से आ रही है, बहुत ज्यादा आपको खींचना पड़ रहा है, जो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे मतलब इसको पाने के लिए मुझे एड़ी चोटी का डोर लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो चीज अगर आपको मिल भी गई ना तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, बिकॉज वहां पर कहीं ना कहीं आपका खिंचाव है, मे बी वो चीज आपके लिए अच्छी है नहीं अच्छी वो कैसे पता। सो हियर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर, और वो सरेंडर क्या है, गिव योर बेस्ट and accept the result. This is the formula. Give your best and accept the result. अब जैसे कपल है, एक कपल के साथ में काम कर रहा था, and they are saying, she is saying कि नहीं रहा जा सकता, husband saying कि बहुत possible नहीं है, we are not saying. We just talked and said, आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से पूरा दे दिया, and said, मैंने तो कर दिया पूरा, मैंने दोबारा सोच, अपनी तरफ से पूरा दे दिया, अपनी तरफ से जो कर सकते आपने पूरा कर लिया, then they started thinking and they found out still there are some more things to be done, कुछ और किया जा सकता है, कुछ और options है, यानी कि वो options आप लेने की कोशिश कर रहे हो, भी option बाकी थे आपके पास और आपने क्योंकि कंट्रोल में थे अब आपने वो भी ऑप्शन अपनाने शुरू कर दिए, और ऑप्शन क्या थे, वर्क ऑन सेल्फ, ये वाला ऑप्शन तो लिया नहीं था,
यू आर ऑलवेज वर्किंग फॉर अदर पर्सन, वर्क ऑन सेल्फ, ये वाला ऑप्शन तो लिया नहीं था, वो ऑप्शन लेना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, एंड देन दे स्टार्टेड टू चेंज, दे स्टार्टेड टू फील चेंज इन देयर पर्सपेक्टिव, कि नहीं अभी तो चांसेस है, अभी तो बाकी है. तो ये होता है सरेंडर की जब हम बात करें, बिकॉज आप समझिए कोई भी हम में से चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल पैसे वाला कुछ भी है, ही इज कितना स्पेक ऑफ वो कण है उसका, वो जो आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है और नेचुरल जो पार्ट है ना उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट दिस. और अगर हम उस इंटेलिजेंस को ही चुनौती देते रहेंगे तो यू आर नॉट लेटिंग इट वर्क ऑन योर लाइफ. उस इंटेलिजेंस को चुनौती नहीं देना, आपने तो ये देखना कि आखिर मैं कहां, मैं अभी कुछ ऐसा बाकी है जो मैंने अपने ऊपर नहीं किया, यानी हार्डवर्क नहीं काम. सबसे ज्यादा हार्डवर्क सोचिए, ये जो जिसे हम बोलते हैं ना हार्डवर्क, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हार्डवर्क हम यहां टेम्परामेंट के बाद शुरू करते हैं. आप पता है सबसे बड़ा हार्डवर्क, और वो क्या है, वर्क ऑन सेल्फ. इससे ज्यादा हार्डवर्क मैंने अभी तक नहीं देखा है. आप दूसरों पे काम कर लो, आप दूसरों को मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो हार्डवर्क कहलाया जाएगा, बट अपने ऊपर काम करना, खुद में बदलाव लाना, खुद के एक्शन रिएक्शन को चेंज करना, ये जो चीजें है ना सबसे मुश्किल सबसे बड़ा हार्डवर्क है. और यही जब हम नहीं करते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट चेंज हो रहे. तो सरेंडर में क्या होगा, अगर हम सरेंडर की बात करते, द मोमेंट यू सरेंडर एक्चुअली यू फील मोर एम्पावर्ड रादर देन डिसएम्पावर्ड. So that is a check also, कि मैं सही जगह सरेंडर कर रहा हूं कि नहीं. जब किसी बंदे को सरेंडर करते हो आप मजबूरी में या एडजस्टमेंट में, तब आप अच्छा फील नहीं करते, हरा हुआ फील करते. लेकिन जब आप नेचर को समर्पित होते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो उस चीज को जो आपसे बड़ी है, तो आप एम्पावर्ड फील करते हो, यू फील हैप्पी, यू फील टेंशन लेस, ऐसा फील करते हो आप. So, now you are getting it, Megha? Yes, sir. A yes, bit of sir. Surrender? Yes, sir. एक तो surrender क्या है? I have questions for the answer. Yeah, please. No, sir. When I am working on this. Yes. Because I am trying to put it in my thought process. And... 2-3 days only, little bit change I am feeling. I mean, no sudden change, but that question always came, that this law of attraction, that we have this list of desires, that is not right. That is completely opposite from this. So basically, law of attraction का जो hidden part है वो है, you attract who you are, not what you want. इसको मत भूलना. We attract who we are, not what we want. ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मिसिंग पॉइंट है ना, यानी कि अगर मैं अंदर से चिंता में हूं और मैं बहुत परेशान हूं और मैं चाह रहा हूं कि मुझे नंबर वन बनना है, तो वो जो आपको मिलने वाला है ना वो गलत हो सकता है. या मुझे सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, और मैं अंदर से परेशान हूं. सो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, जो आपके अंदर है. यानी आपको मिल भी गया तब भी आप परेशान रहोगे, बिकॉज आपके अंदर तो परेशानी, दुखी हो आप, वो हो, आप कंटेंटेड नहीं हो, आपके अंदर शक है. आप उसको उल्टा कर लीजिए, अगर मैं अंदर से अपने आप को पीसफुल कर चुका हूं, मैं लाइक दिस, ओके फाइन, दैट्स गुड, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, सुबह शाम मेरी प्रेयर्स होती है कि व्हाटएवर जो मेरे लिए अच्छा है वो हो रहा है, जो मैं दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं खुद को चेंज करने की. तो आप ऐसे ही लोगों को अटेंड करेंगे. आप सोचिए आपकी लाइफ में, रश्मि से पूछते हैं इसका आंसर, रश्मि क्या आपके सर्कल में कुछ बदलाव दिख रहा है? सर्कल में हाँ सर, दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, तभी तो मेरे अंदर चेंज आया है. मतलब क्या हो सकता है बदलाव, वो सर्कल में बदलाव ये हो सकता है कि मैं जैसे रिएक्ट कर रही हूँ या लोगों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि मैं जैसे बिहेव करती थी पहले, जो मेरा जो नेचर था वो डेफिनेटली इट हैज चेंज्ड. तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ओके शी हैज चेंज्ड,
और बेटर, तो हमें भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए शायद, तो ऐसी फील आती होगी शायद। राइट, सो सर्कल में चेंज का दो तरह से बात कर रहे हैं, एक तो सर्कल का रिएक्शन चेंज हो रहा है आपकी तरफ, एक तो ये, एक दूसरा उस सर्कल में, जो सर्कल में वो जो इमोशनल चार्ज था उस सर्कल में, जिन लोगों के साथ इमोशनल चार्ज था, वो अभी भी सर्कल में है लेकिन आपको इमोशनल चार्ज नहीं दे रहे हैं, दैट इज अ चेंज। दूसरा, उनसे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली मेंटल और वर्बल कम हो गई, मीन्स दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम यू ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल चेंज। यस 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 रंजना जी, यस, ये जो चेंज है ना, ये क्या है, जो बंदे मेरे दिमाग में बैठे रहते थे पहले हमेशा, यार ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता, उसी बात सोचता रहता, और वो दिमाग से निकल गया, कहां गया वो, क्योंकि आपका सर्कल चेंज नहीं हुआ है, आपका सर्कल यानी, यस रश्मि, वो मतलब जो हमारे थॉट्स में हमेशा रहते थे, अब वो हमारे थॉट्स में नहीं रह के वो मतलब दूर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, यू आर राइट। अब आपको उनकी ज्यादा चिंता फिक्र नहीं होती है, उनसे ज्यादा घृणा नहीं होती, उनसे इरिटेशन नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता, बिकॉज़ वो दिमाग से निकल गए, तो आपके सर्कल में से निकल गए वो ऑटोमेटिक। इसी को बोलते हैं कि जब आप चेंज होते हो ना, आपका सर्कल भी चेंज हो जाता है, सर्कल चेंज मतलब वो आपको चेंज नहीं दिख रहे, आप दूसरे लोगों से बात कर, फॉर एग्जाम्पल मेघा आपके सर्कल में जुड़ी है, प्रतिभा आपके सर्कल पहले थी वो जुड़ी है, और लोग जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूँ और लोग जुड़े हैं, ये नया सर्कल बना ना आपका, दिस न्यू सर्कल, एंड द ओल्ड सर्कल में से बहुत सारे लोग जो अपने अपने चिंता में थे आपके साथ, आपके सिर में बैठे हुए, तो वो सब चले गए, कहां गए वो, है तो वही, हम चेंज हुए तो हमारा सर्कल बदल गया, हम डिफरेंट तरह की बातें करते हैं, हम डिफरेंट तरह के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को हम ज्यादा अपने उसमें लेते नहीं है, इस तरह से हमारा सर्कल बदलता है जब हम चेंज होते हैं, इट मींस उनको अब हम ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं हमारे सर्कल में, जो हमारे अंदर जो मतलब टॉक्सिक पीपल थे, जो डिफिकल्ट पीपल थे, उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने सर्कल से उनको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब आउट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, और वो अपने आप आउट हो रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई, वहां पे वही रिपीट हो रहा है, वही बातें हो रही, एंड कितना जरूरी है कम्युनिकेट करना, किसी के लिए साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना और एनर्जी वेस्ट करना, इसमें डिफरेंस पता चल गया। ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, ये सबसे बड़ी पावर है, इसको समझिए, सेल्फ अवेयरनेस, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का भी सबसे पहला पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस। अब आपको समझ में आ गया किसके साथ मुझे लगानी है, बिकॉज हमारी शक्ति वहां जाती है जब हमारे थॉट जाते हैं, हमने किसके साथ कितना टाइम लगाना है, किससे क्या बात करनी, वो हमें समझ में आ गया, तो हम धीरे धीरे उन चीजों को, सो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दूं, पहले जो बातें आती थी ना, आप उनको उनमें आपको लगता है ये मुझे रिएक्ट करना है, इसके ऊपर इसको पकड़ना है, इसकी बात करनी है, अब क्या है 70% बातें आप निकाल देते हो, बिकॉज आपको लगता है इसमें क्यों मेरे को, इसमें व्हाई आई शुड टू नीड टू वेस्ट माय एनर्जी हियर, बिकॉज इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यू आर जस्ट स्निकिंग द, वो डक कर देते हो, जैसे कहते ना, पहले तो मैं बैट्समैन हूँ, समझिएगा, बैट्समैन हूँ, बॉलिंग आ रही है, मुझे हर बॉल पे टच करना है बैट, बिकॉज आई एम अ बैट्समैन, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया सचिन को देख के कि बॉल को डक करना भी एक अच्छे बैट्समैन की खासियत है, डक समझते हैं, सीजन्ड क्रिकेटर का यही है कि सबको टच करने की जरूरत नहीं है सारे बॉल्स को, तो क्या करता है, कभी ऐसे करता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऐसे करता है, नील, तो बॉलर परेशान हो जाता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, और वो गलती करता है उस टाइम पे, खैर हम क्या है, हर बॉल को मार रहे हैं, वाइड जा रही है तो उसको ही मार रहे हैं, बाहर क्रीज से बाहर बाहर निकल निकल के मार रहे हैं, बिकॉज हमें क्या सिखाया गया है, कोई आप बॉल आपके पास आया तो बिना टच की जानी नहीं चाहिए, आपसे किसी ने ऐसे कैसे किया, नौ सी किया, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है आपसे, हाउ डेयर ही कैन से यू से मुझसे तुमने ऐसे कैसे बोला, अब तो मुझे जवाब देना ही है, आप वाइड बॉल को क्रीज के बाहर निकल के मार रहे हैं, कितना बड़ा आप मतलब एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, नाउ यू अंडरस्टैंड, गलती कर रहे हो, नाउ यू आर स्टैंडिंग इन योर क्रीज एंड दैट बॉल गोज अवे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप, एनर्जी वापस, बेचारा जो बॉलर है ना, महेश जी अब मैं सीजन क्रिकेटर हो गई हूँ, ये बात देखा, यही चीज जो डक
तो बॉलर तो फिर भी बॉल फेंक ही रहा है, उसकी तो आदत है कि वो फ्रस्ट्रेट करे बैट्समैन को, बट बैट्समैन ने सीख लिया हाउ टू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड. बॉलर चेंज नहीं हुआ है, बैट्समैन चेंज हो गया. कुछ खास नहीं, ये बोल रहे थे बैट्समैन जो सीजन बैट्समैन होते हैं ना, सीजन क्रिकेटर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, वो लोग हर बॉल को टच नहीं करते हैं, उनको पता है किस बॉल को टच करना और किसको डक करना है, क्या मतलब छोड़ देना. उसी तरह से हम लोग भी जब सेल्फ अवेयर हो जाते हैं एंड वी बिकम सीजन्ड, वी नो कि किस बात को रिएक्ट करना है, किसको नहीं करना है. पहले हम हर चीज में जाके टांग अड़ाते थे. बिल्कुल बिल्कुल. वाइड बॉल है, नो बॉल है, बाउंसर है, हर चीज में हमने मारना, बिकॉज हमें सिखाया क्या गया है. या लक्ष्मी, मतलब ऐसा है ना कि किसको भाव देना है किसको भाव नहीं देना है पता हो जाना चाहिए. Yes. अब लैंग्वेज कोई बोल लो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है डक कहाँ करना है. आपको डक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शॉट मारो. Yes, बिल्कुल. इसलिए वो प्लेयर ज्यादा देर तक मैदान पे क्रीज पे टिका रहता है, यू नो, इतना टाइम तक खेलता रहता है, बिकॉज वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है बाहर की बॉलों पर जाके अपने वो करके. सेम वे अब आपने क्या किया, बॉलर तो वही फेंक रहा है, बाउंसर है, वाइड है, यॉर्कर है, आपको तंग करने के लिए आपकी बॉडी लाइन यूज कर रहा है, यू नो, आपकी बॉडी पे बॉल मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है वेयर टू गो एंड वेयर नॉट, विच बॉल टू टच और नॉट. और इसी वजह से आप कंजर्व कर पा रहे हो और अल्टीमेटली वो बॉलर या तो थक जाएगा और आपको बॉल फेंकना बंद कर देगा फालतू की, या वो सही तरीके से बॉल करना शुरू करेगा. दो चीज हो सकती है, थक के अरे यार ये तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और चला जाएगा, दूसरी बात अच्छी तरह से बॉल करना शुरू करेगा आप. सो चेंज बैट्समैन हुआ है, बॉलर नहीं. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहां पर ये जो सिचुएशन है ना, जो अभी रश्मि ने कहा कि मैं सीजन्ड हो गई हूं, अंडरस्टैंड मैच्योरिटी इज नॉट अबाउट हिटिंग ऑल द बॉल्स. दिस इज नॉट मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज नो विच बॉल टू हिट व्हेन. ये है मैच्योरिटी, राइट. सो इसी को बोलते हैं. अब जो अगर मैं ये बोलूं कि सो इट इज नॉट अ राइट वर्ड बट कि नाउ रश्मि इज बिकमिंग मोर मैच्योर, दैट इज द राइट वर्ड, बिकॉज मैच्योरिटी कम्स व्हेन यू स्टार्ट टू नो विच बॉल टू हिट एंड विच नॉट, नॉट अबाउट हिटिंग द ऑल बॉल्स, राइट. सो तभी बोलते हैं ना मैच्योरिटी, मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती है, मैच्योरिटी समझ के साथ आती है. यही चीज आज हम 40, 45, 50, 60 में सीख रहे हैं. यही चीज अगर बच्चे 20 साल में सीख जाए तो मैच्योरिटी 22 साल में आ जाएगी. क्यों नहीं आएगी? अगर उनको पता लग गया किस बॉल को हिट करना किसको नहीं, तो आनी जाएगी क्या 22 साल में मैच्योरिटी? एब्सोल्युटली. इसलिए डजंट मीन कि आप कितनी एज के हो क्या है, मीन्स ये है कि आपने अंडरस्टैंड कब किया, स्टार्ट कब किया खुद को समझना और उसको समझना. एंड दैट कैन हैपन. And that's why when I'm working with 16 years old, so I am very happy because by the age of 20, they know what ball to hit and what not. And that's why. Yes, जी हम ये भी कहते हैं ना कि मतलब ये इतने एज के हो गए हैं फिर भी इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है. Yes. अब किस चीज को बोल रहे हो? किस चीज को बोल रहे हो तुम मैच्योरिटी? कि यार ये बंदा हर बॉल को हिट करता है, इसको कुछ भी बोलो ये उसमें टांगड़ आनी है इसको. मैच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है समझ, और समझ का कॉन्सेप्ट ये है स्टार्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ, नॉट द पर्सन. मैं सब दुनिया को जानता हूं, खुद को नहीं जानता हूं, दैट इज नॉट समझ. समझ इज आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड माई सराउंडिंग, आई अंडरस्टैंड, दिस इज समझ. एंड दैट कम्स स्लोली स्लोली स्लोली, बट इन रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड स्लो इज फास्ट एंड फास्ट इज स्लो. रिलेशनशिप में और खुद पे काम करने में उल्टा है, स्लो इज फास्ट. अगर मैं एग्जाम्पल दू, इवन मेघा इज वर्किंग फॉर लास्ट वन ईयर ऑन हर सेल्फ. आज मेघा के अंदर जो चेंजेस है, आज रश्मि में जो चेंजेस है, इन चेंजेस को और पिछले कुछ सालों को मैच कीजिए एंड यू विल फाइंड कि ये स्लो है क्या. इफ आई आस्क रश्मि क्या ये 6 महीने स्लो है,
in connection with years? Yes, मतलब slow is fast. क्योंकि छह महीने में आपने क्या किया, अब देखिए आपका इतना ना, जितनी बड़ी गाड़ी जितनी भारी गाड़ी उतना टाइम लगता है उसको मोड़ने में, जितनी भारी गाड़ी उतनी मोड़ने में टाइम लगता है, लाइक साइकिल, साइकिल फटाफट मोड़ लोगे, लेकिन एक ट्रक है उसको मोड़ने में टाइम लगेगा। अब हमारे पीछे क्या है, इतना बड़ा ट्रेलर ट्रेलर लगा हुआ जिसमें इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं वो पुराने, और ढलान पे गाड़ी है हमारी, तो मोड़ोगे कैसे? तो हमने क्या किया, धीरे पहले स्टॉप किया उसको, स्टॉप किया, पत्थर निकाले, एक दो चार पांच, अब गाड़ी हल्की हो गई, अब आपसे मोड़ लिया उसको। एंड दैट इज हाउ वी आर वर्क। सो ये जो पत्थर है इमोशन, जो आप ईएफटी से पत्थर निकाल रहे हैं, जो समझ रहे हैं मेरी गाड़ी भारी क्यों है इसको समझ रहे हो, ये सब कुछ करके यू आर एक्चुअली मेन ड्राइविंग योर लाइफ लाइक दिस, एंड नाउ दिस इज बीइंग ट्रांसफर टू अदर पीपल। अब जब किसी बंदे को आप सलाह देते, सलाह तो खैर देते नहीं है, जब आप बात करते हो उससे तो आप उसको समझ के बात करते हो, एंड नाउ यू आर ऑटोमेटिकली, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली योर ऑरा इज डिफरेंट। अगर फोटो ले सकते हैं अपने ऑरा की, तो आपका ऑरा बदल चुका है, ऑटोमेटिकली बदल चुका है। अगर कोई इंसान अब आपके ऑरा में आता है, ही विल फील डिफरेंट देन बिफोर, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये है वो फर्क। पानी आपने पहले खाली पड़े थे, जितना पानी डालो उतना घुसता जा रहा है, अब क्या है भर गए, अब टपक रहा है बाहर, एक बूंद आती है बाहर टपक जाती है, कहां जाती है, दूसरों पे। सो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग। सो इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। काम क्या है हमारा, सिर्फ लगातार बने रहो इस बात के ऊपर, लगातार, बिकॉज एवरी डे, आज 15 साल बाद, 20 साल बाद इस बात पे चलने के बाद, आई कैन टेल यू एवरी डे इज स्टिल अ न्यू एंड फ्रेश डे व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड योरसेल्फ बेटर। सच एक्साइटिंग जर्नी। मैं तो देख सकता हूं अपने आप को कि जब तक सांस है ना तब तक समझते रहेंगे लोग, इतना स्कोप है इसके अंदर, इतना स्कोप, और बोरियत भी नहीं होती इस काम से, बिकॉज आपके सामने डेली बेस पर यू आर, आपको दिखता है आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ टू द टी। मतलब ऐसे तो कभी हो नहीं पाएगा कि निर्वाण मिल जाए बुद्ध की तरफ हमें, और हमें वो पहुंचेंगे भी नहीं, लेकिन बुद्धत्व की तरफ चलने का रास्ता, जैसे कोई कहता है ना डायरेक्शन कि जी, कोई पूछे मुझे यहां जाना, हाँ ये ना आगे से लेफ्ट ले लो और वहां से 2000 किलोमीटर है। सोचो वो बोल रहा है आपसे आगे से लेफ्ट ले लो, वहां से 2000 किलोमीटर, आपके तो भाई अच्छा लेफ्ट लेने के बाद 2000 किलोमीटर, लेकिन आपको पता तो है कि 2000 किलोमीटर के रास्ते पे हूं मैं, एंड वी आर ऑन द वे, एंड दैट इज आल्सो प्रैक्टिकल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी नो दैट वी आर इंप्रूविंग टेम्परामेंट वाइज। उससे पहले एक चीज और लेते हैं, वो छोटा सा लेते हैं, डिटैच अटैचमेंट की जो बात करी थी ना, वो हमने अभी पूरा लिया नहीं, इसको थोड़ा सा लेते हैं। डिटैचमेंट और अटैचमेंट की जो बात कर रहे हैं, जैसे अभी अगर बात करें, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ही रश्मि ने अपने बच्चों को बोला कि तुम जो करना चाहते हो वो करो यार, मतलब डू योर थिंग, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, दैट इज वन फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द किड्स। जो पहले कंट्रोल की भावना थी कि यस दे आर माई किड्स, आई नीड टू कंट्रोल देम, आई नीड टू गाइड देम, नाउ यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ। Now, क्या इससे अटैचमेंट खत्म हो गई बच्चों से, या आप बिल्कुल वैसे हो चुके हो कि जो मर्जी करो यार, तुम जो गलती करोगे वही माफ, जो कुछ करोगे वो माफ, क्या ऐसा हो गया? नहीं, नहीं बिल्कुल। आपने नहीं। क्या दिया है, आपने वो वाला फंदा, वो वाली जो इनको थी ना गला घोटने वाली, उनकी जो ये पकड़ के रखा होता वो लूज कर दिया आपने। यू आर गिविंग देम स्पेस, अ बिगर प्ले ग्राउंड टू प्ले, यू आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट देम, टू गाइड देम टू समथिंग, but you are giving them more space. Detach हो गए आप और आपने उन्हें स्पेस दिया, बिना डिटैच हुए आप स्पेस दे ही नहीं सकते। अब अंडरस्टैंड कीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच की सिचुएशन या फ्रेंड्स के बीच की सिचुएशन, हमारे बीच में स्पेस नहीं है, ओके? इसका मतलब यू आर सो अटैच्ड, वी आर सो पोजेसिव फॉर योर दिस थिंग, स्पेस नहीं है, हवा नहीं आने दे रहे हो आप, दम घुट के सामने वाले का,
So detachment create ho gaya, detached attachment. That is how this detached attachment work. Hum jo परिवार में रहते हैं ना वहां पर डिटैचमेंट हो नहीं सकती पूरी तरह से, बट वी आर ऑलवेज इन अ फ्लक्स इन अ सिचुएशन ऑफ वी कैन ऑलवेज बीन डिटैच्ड आल्सो डिटैच्ड अटैचमेंट की स्टेज में रहते हैं, मतलब रहे अब तो बेटर. और वो क्या है, गिविंग स्पेस एंड स्टिल ऑन द ट्रैक. राइट मेगा, ये जो कंफ्यूजन था आपको डिटैच्ड अटैचमेंट का, ये यहां से कुछ क्लियर हो रहा हो? So it is not. Sir, suppose some people they are like when the child is doing wrong, or even an older child, so they just say once or twice that don't do this, this is wrong, and still they do the wrong thing. So they just say once and twice, and then they don't involve themselves too much. But some parents they don't leave the child. They're like, no, you do it. So what is wrong and what is right in this? One parent is detached. They just say that, see, this is the right thing. I'm telling you, this is how you should do. But still, they don't follow. And after that, they don't tell them. Go your way. You're going to fall in the pit. Then you'll get to know. इसमें detachment और attachment का principle लागू ही नहीं होता मेगा. Actually, वो एक अलग ही level है. तो level क्या है? आपने बच्चे को कहा और उसने नहीं समझा, तो आपने खुद के अंदर क्या बदलाव किया? अब आपका बच्चा नहीं सुन रहा आपकी बात, राइट? नाउ थिंक अबाउट व्हाट आर द वेज टू कम्युनिकेट माय थिंग्स. वो कहा सोच रहा है पेरेंट? वो तो सोच नहीं रहा, वो तो सोच रहा मैं दो बार कहूंगा, अब नहीं मानेगा, ठीक है, उसकी मर्जी है. हाउ टू चेंज माई सेल्फ सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद माई किड. वो जो काम है ना वो है डिटेच अटैचमेंट. ये तो हो गया, आप अंगूर खट्टे हैं, नहीं कर रहा तो क्या करूं, जाओ जो मर्जी करो. दैट इज नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज इफ ही इज डूइंग द सेम थिंग अगेन अगेन, यू आर थिंकिंग मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये कम्युनिकेट कर पाऊं इसको कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है. उसके बाद लीव इट टू हिम बिकॉज ही विल लर्न ओनली फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. मेरे कहने से नहीं मानेगा, वो अपनी मिस्टेक से सीखेगा. उस मिस्टेक के टाइम पे क्या मैं अवेलेबल हूं? अगर वो मिस्टेक कर देता है बच्चा, उस टाइम पे क्या मैं अवेलेबल हूं? या उसके ऊपर चढ़ गया, मैं तो पहले ही कहा था, मना किया तो तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, चढ़ गया उसके ऊपर, आपने उसका कर दिया. अब आपका ये डिटैचमेंट नहीं है. डिटैचमेंट क्या है? आई डिटैच माई सेल्फ. आई सेड टू हिम ये ठीक नहीं है, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, ये ठीक नहीं है, बाकी तो अपनी एक्सपीरियंस है. ही इज स्टिल डूइंग इट, एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. But at the time of mistakes, are you available there as a parent? वो कहता है अब उसकी mistake होगी और उसमें बड़ी शर्म भी आ रही है because आपने बार बार मना किया था उसको कि ऐसा नहीं कर नहीं कर नहीं कर, और उसने कर दिया. अब आप क्या कह रहे हो? Chill man, होता है, मैं भी तो ऐसे करता था, हम भी अपने घर में ऐसे करते हैं अपने पेरेंट के साथ, तो डोंट वरी, तो परेशान मत हो, यू नो, लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस. हो गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, टूट जाती चीजें, परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे. बट नाउ यू लर्न इट ना, ही सेड यस आई लर्न इट. क्या इस टाइम तक मैं अवेलेबल हूं उसके पास? यही पार्ट ऑफ अटैचमेंट. यस, दिस इज पार्ट ऑफ डिटैचमेंट. क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं उसको, तो अटैचमेंट तो ये हुई कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, वो तो अटैचमेंट क्या है, ही इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. डिटैचमेंट क्या है? लेट हिम डू And I am giving the space, जो भी रश्मि से बोल रहा हूँ वो स्पेस दे रही है इतना. अब मान लो स्पेस में बच्चा गलती करता है तो रश्मि क्या बोलेगी? रश्मि ये तो नहीं बोलेगी ना बाहर में जाओ. What she is saying, okay, you did it. I told you, don't worry, I'm here. Just talk. We can always build that. मैंने भी गलती, मैं भी जब छोटी थी मैं भी ऐसी करती, हमने अपने माँ बाप को बहुत तंग किया है तो तुम कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. So, but you are communicating still with the kids. That is again attachment. And detach कहाँ हुआ? जब उसको करने दिया तो. This is called detached attachment. और ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर बात निकल जाती है ना, आपको लगता है मेरे कंट्रोल से बाहर निकल. अब सोचो जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जो आपके बच्चे सब बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ने जाएगा, आप कब उनके साथ बैठे रहते हो क्या? अगर आप बच्चों को साथ रखोगे अपने कि मैं तो बाहर नहीं भेजूंगा इसको बिकॉज ये बाहर जाके बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, दे विल नेवर ग्रो.
वो सीखेंगे कैसे? वहां डिटैच होना पड़ता है एंड यू हैव टू लीव. बट जब वो बच्चा फोन करता है, पापा ये हो गया गड़बड़, देन आर यू अवेलेबल विद सेम एम्पथी, विद सेम पेरेंटिंग, विद सेम लव, आर यू अवेलेबल? और यू आर सेइंग दैट मैंने पहले कहा था आपसे, ये उम्मीद नहीं थी, वो नहीं थी, एंड यू आर बर्स्टिंग आउट इट. सो ये जो है ना, ये डिटैच अटैचमेंट जो है, ये इस चीज का फॉर्मूला है जो हम बात कर रहे हैं. वी एज अ फैमिली पीपल वी आर ऑलवेज डिटैच अटैच. अगर लेना चाहें तो ज्यादा अटैच रहते हैं हम लोग को दिक्कत होती है, बिकॉज नाउ वी आर टेकिंग द कंप्लीट कंट्रोल विच इज नॉट इन योर हैंड. ज्यादा डिटैच रहते हैं तो वट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट थिंकिंग कि यार अवॉइड कर रहे हैं उस चीज को. नीदर वी आर अवॉइडिंग नॉट वी आर सफोकेटिंग, वी आर गिविंग बोथ स्पेस एंड अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट अ किड नीड्स. राइट मेघा? सो इट्स अ मेघा, दिस इज यस यस जैसा महेश जी ने जो समझाया है उससे मैं ये समझ रही हूँ कि डिटैचमेंट का मतलब है कि यू आर गिविंग स्पेस टू योर चाइल्ड. तो आप डिटैच हो रहे हो फॉर अ मतलब वो इट इज नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ठीक है ना, यू आर गिविंग देम स्पेस टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ कि वेदर दे आर एबल टू कैरी देमसेल्फ. वो अपने आप को कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देन दे विल डेफिनेटली फॉल अपॉन यू एंड कम बैक टू यू कि ओके मम्मा आपने मुझे बोला था कि ये मतलब आप अपने आप ही इसको कर लो, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू इट, कैन यू गाइड मी? सो फॉर द गाइडेंस दे विल डेफिनेटली फॉलो अपॉन यू. वो आपके पास आएंगे, दे विल कम बैक टू यू, दे विल सीक योर एडवाइस. और अटैचमेंट का मतलब है कि आप उनसे उतना ही अटैच्ड हैं. यू लव योर चिल्ड्रन, है ना, बच्चों से तो सब लोग बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं. तो एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड कि डिटैचमेंट का मतलब होता है स्पेस देना, अटैचमेंट का मतलब है कि आपको उनको ये भी फील कराना है कि अगर उनको जरूरत पड़े तो यू आर देयर फॉर देम. एब्सोल्युटली बैंग ऑन. डिटैचमेंट स्पेस, अटैचमेंट आई एम देयर. मैं तुम्हारे गले में नहीं लटका हुआ, मेरे को तुम्हारे गले को नहीं पकड़ना है, लेकिन आई एम देयर. इफ यू नीड मी आई एम देयर, इफ यू डोंट नीड मी आई एम नॉट देयर. सो आई एम गिविंग स्पेस. एंड बिल्कुल सही समझे रश्मि, यही चीज है. और ज्यादातर पेरेंटिंग में आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है. Either they are giving too much space or they are giving no space, right? So we need to be a balanced here, space and इसलिए that attachment का formula होता है. और वो तब तक नहीं आएगा, understand दोबारा कीजिएगा, जब तक आप अपने को नहीं समझते. It always comes to us, हमारे ऊपर ही आएगा वापस, right? So this is maybe we can discuss sometime later this detachment and attachment we talked about kids with elders. We can discuss this sometime later. Absolutely, next time later. Because this is, we always say kids are important. Yeah. And or ghar mein also we see we give our focus to the kids, but those elders also need a lot of time and patience. Absolutely. So this middle person gets sandwiched between these two. And it's not right to just give time to the kids. They are equally important. Absolutely. This maybe we can discuss something later. And it's my very long time question. Yeah. And inside it's, me only. I understand. But this we'll take. Okay. So last we'll take because we have 5 minutes. Improve kaise ho rahe hai, kaise pata chalega. Ab kehte na main improve ho raha hu. Koi bolta main to improve ho raha hu. Okay. Saath wale dekh rahe hai. Achha ji, tum kahan improve ho rahe ho? Tum to tumhare andar wahi gussa hai. तुम्हारे अंदर वही चीजें हैं, तुम तो कोई इंप्रूव नहीं हो रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, सो हाउ यू आर थिंकिंग आई एम इंप्रूविंग एंड दे आर नॉट इंप्रूविंग. सो हाउ इट कैन बी डन कि मैं तो सोच रहा हूं मैं इंप्रूव हो रहा हूं, लेकिन सामने वाला सोच रहा है इंप्रूव नहीं हो रहा है. क्या ये हो सकता है? पहली बात तो बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आपको लग रहा हो मैं तो बहुत इंप्रूव हो गया और सामने वाला लगे कहां इंप्रूव हुआ है? क्या ये पॉसिबल है? Yes, possible है. Possible है ना? हाँ, possible है. क्योंकि देखिए होता क्या है, 10 चीजों में से मैंने अगर 3 जगह अपने आप को चेंज किया है तो वो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट है. yeah.
सामने वाले को मेरी 10 चीजें मालूम है और वो 7 को देख रहा है और उन तीन चीजों को नहीं देख पा रहा है जो मैंने चेंज कर लिया, तो उसके लिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप अंडरस्टैंड करें, वो जो तीन चीजें थी ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। जैसे एक पावरफुल बोलता है मैंने ना अपना गुस्सा कम कर लिया, आई वर्क ऑन माई एंगर, मैंने ना अपना गुस्सा कम कर लिया। सामने बोलते कहां कम किया, अब उसको कैसे लग रहा है मैंने गुस्सा कम कर लिया और सामने वाले क्यों लग रहा है गुस्सा कम कर लिया, क्योंकि यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें इंप्रूवमेंट का, सबसे पहले इंप्रूवमेंट आएगी अंदर से। When you feel improved, when you continue on that journey of improvement, then it will spill over to other people. And third, when you spill over to other people, they start to realize that you are changing. So it's a process. इसलिए बार-बार हम बोलते हैं दूसरों पर focus मत करो, दूसरों पर focus करो, because आप अपने ऊपर काम करते रहिए। Don't expect other people to see changes. They will see automatically those changes. आपको तो सेकंड नेचर चेंज हो गया ना, यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट टू शो देम कि मैं बदल गया हूं, बदल गया हूं, उसको दिखाने की थोड़ी कर रहे हो आप, तो चेंज हो रहे हो। एंड व्हेन यू चेंज दे विल स्टार्ट नोटिसिंग इट। तो सबसे पहली जो इंप्रूवमेंट है ना वो ये है, आर यू रियली फीलिंग दैट यू आर चेंज। रिएक्शन विंडो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको बताता है कि मैं पहले से बेटर हूं कि नहीं। रिएक्शन से, रिएक्शन को मैंने क्या रिस्पॉन्ड में चेंज कर दिया है, क्या मैं अब रिस्पॉन्ड करती हूँ या रिएक्ट करती हूँ। इफ आई एम रिस्पॉन्डिंग आई एम बिकमिंग बेटर, सो आई एम इम्प्रूविंग, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंडली आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन द सेल्फ सेटिस्फाइंग जोन रादर देन सेल्फ क्रिटिसाइजिंग जोन। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ और द अदर पीपल, ये भी एक चेंज का वो है। आई एम इन टू द मोस्ट, सो एक ना, सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ ग्राफिक फॉर दैट, कि जैसे जैसे आप बेटर होते जाते हो ना, वैसे वैसे आप का जो नेगेटिव साइड है, जो हर टेम्परमेंट के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव साइड में कम और पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा टाइम टर्न लगते हैं। जैसे जैसे इंक्रीज होते रहोगे, सबसे पहले नेचुरल होते हैं तो हम आधा टाइम पॉजिटिव में आधा नेगेटिव गुजार रहे हैं, नेचुरल। जैसे आप इंक्रीमेंट की तरफ बढ़े, आप बेटर हुए, तो आपका नेगेटिव पार्ट में कम टाइम पॉजिटिव में ज्यादा बीतना शुरू हो गया। उससे और बेटर हुए, नेगेटिव में इतना सा पॉजिटिव में पूरा। एंड देन उसके बाद का स्टेज है बुद्धत्व, आप नेगेटिव में हो ही नहीं, यू आर ऑलवेज इन पॉजिटिव। ये है इंक्रीमेंट टुवर्ड्स दिस। डिक्रीमेंट समझ लीजिए, जब मैं नीचे जा रहा हूं क्या कर रहा हूं, पहले मैं नेचुरल हूं सबको बराबर है, नीचे आ रहा हूं आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम इन नेगेटिव लेस इन पॉजिटिव, उससे नीचे मैक्सिमम टाइम इन नेगेटिव वेरी लिटिल इन पॉजिटिव, और फिर उसके पार जाते ही आई एम बिकमिंग नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक, नाउ आई एम कंप्लीटली ऑन दैट पाथ। तो अभी देख रहे हो, अगर ये मिडल है, यह है इंक्रीमेंट, यह है डिक्रीमेंट, एक स्टेज के अंदर पावरफुल एक टेम्परमेंट, पीसफुल जो भी टेम्परमेंट है वो इंक्रीमेंट कर रहा है, अपने हेल्दी पार्ट में ज्यादा बिता रहा है, मोर टाइम मोस्ट टाइम एंड नाउ बुद्धत्व। नीचे देखें, लेस टाइम इन हेल्दी पार्ट, लेस टाइम मोस्टली लेस टाइम नाउ टॉक्सिक नार्सिसिस्ट। ये है स्टेज। हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपने आप को समझते हैं ना, तो हमें इस तरफ ये तरफ बढ़ रहे हैं, ये तरफ स्केल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो रश्मि का अगर फॉर्मेट देखें, नेचुरल अगर हम देखें, So, इसको ऐसे देखिए, पावरफुल नेचुरल स्टेट, रश्मि वॉज ऑन द नेगेटिव साइड और हर टेम्परमेंट जो कि हर एक के साथ होता है यहां थी। जब समझा अपने आप को, न्यूट्रल में आई, नाउ अंडरस्टैंड, ओके मे बी 2 months 3 months, नाउ शी इज टुवर्ड्स ऊपर, अंडरस्टैंडिंग पीपल मैक्सिमम ऑफ द टाइम। आप ऐसा नहीं कि आज भी वो संत हो गई होंगी या गलत नहीं होता होगा या गुस्सा नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन लेस टाइम इन नेगेटिव या अनहेल्दी पार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम और हेल्दी पार्ट ऑफ हर टाइम।
Right, Rashmi, if I'm wrong. Yes, sir, absolutely. You are there. तो ये जो स्केल है ना, इससे पता लगता है कि हम लोग इंप्रूव हो रहे हैं. We need to go step by step here, ऊपर जा रहा है. और इंसान है, गलतियां होंगी, उस गलतियों को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उनसे कितनी जल्दी सीखते हैं, उससे जल्दी उसको उसको खत्म करते हैं, वो है हमारा इंप्रूवमेंट का टाइम. सो दैट इज हाउ. सो रश्मि का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था, कैसे पता लगे हम इंप्रूव हो रहे हैं. वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन द हेल्दी साइड ऑफ अवर टेम्परमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. Then we are improved, right? So that is how the scale works. Yes, ma'am. He says, Nagpal, are you not finding any changes in yourself? मेरे में change हाँ changes हैं और मैं ये सोच रही थी कि जैसे वो महेश जी वो होते हैं ना, आप कहते हैं शेर बब्बर शेर. हाँ. एक टाइम में वो भी बूढ़ा होता जाता है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सबमिसिव बना लेता है. हाँ. तो एक वो भी होता है कि जैसे हम एज के उम्र के उस पड़ाव में जाते जाते हैं तो लगता है कि अब हिम्मत जवाब दे गई है चिल्लाने की, लड़ने की और कन्फ्रंट करने की. तो एक चेंज तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है. दूसरा, जब हम डेलिबरेटली जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, जब हम कुछ समझना चाहते हैं, जैसे हमने टेम्परामेंट सीखा, जैसे हमने EFT सीखा, तो वो एज के साथ साथ ये सब चीजें वो सोने पे सुहागा वाला काम करती जाती हैं. तो रश्मि के साथ वो हो गया है. नहीं नहीं प्रतिभा, यहाँ पर एक चीज चेंज करता हूँ. जो बब्बर शेर बूढ़ा होके नहीं कर पा रहा है, समझिएगा, मतलब वो हैप्पी नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड बब्बर शेर है. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्या, कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, धारता हूँ, वो भी कोई सुनता नहीं है, पंजाबी नहीं मार सकता हूं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड. उससे बात करोगे ना, वो कहेगा लाइफ बेकार है यार, ठंड हो गई लाइफ मेरी, मैं क्या करूं, ऐसा सोचेगा. लेकिन जो बब्बर शेर समझ चुका है, वो बैठ के एंजॉय कर रहा. यही फर्क है इन दोनों में जो अभी हम बात कर रहे हैं. देखिए, वो एक्सेप्टिंग वाली बात आ जाती है कि जैसे हर आदमी उसको एक्सेप्ट करना सीख जाता है और सरेंडर करना सीख जाता है. जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, या कोई भी इंसान है, जब उसको पता चल गया है कि अब मैं एनर्जी मेरी डाउन है, या मेरा हर चीज बियॉन्ड माय कंट्रोल है, तो मुझे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो देन ही और शी विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड सरेंडर कर दिया. नहीं, कि नहीं, अब... नहीं 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 प्रतिभा, ऐसा नहीं होता. सुनिए, यही गड़बड़ है. अगर वो इसलिए सरेंडर कर रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है कुछ भी, यानी उसकी शक्ति नहीं है उसके अंदर, तो वो सरेंडर नहीं है, वो तो मजबूरी है. अंगूर खट्टे हैं, अब क्या करो, अब मैं शिकार कर ही नहीं सकता. तो एक होता है, उस बबर शेर को समझ में आ गया कि यार फालतू में जो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था ना, दैट वॉज नॉट राइट, सो नाउ आई एम कंजर्विंग माई एनर्जी. नाउ ये है दोनों का फर्क. सो हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं. एक सरेंडर होता है मजबूरी में, आपको कह नहीं सकते कर दिया, आपको करना ही पड़ेगा. एक होता है बाय कम कहते हैं होशो हवास में, होशो हवास में सरेंडर, और एक होता है मजबूरी से सरेंडर. ये दोनों में फर्क है. तो बब्बर शेर का एग्जांपल अच्छा दिया. बुड्ढा जी बब्बर शेर मजबूरी में सरेंडर कर रहा है, वो खुश नहीं है. एक बब्बर शेर जो समझ के सरेंडर कर रहा है, ही इज हैप्पी. And that is the difference. Yes, Rashmi, you are saying something. Says Nagpal, ऐसी बात तो नहीं है कि 6 महीने में मैं बूढ़े बब्बर शेर हो गई हूँ, पहले मैं जवान बब्बर शेर थी. नहीं, मैंने वो एक जेनरिक एग्जांपल दिया था, वो मैंने किसी को कोट करके नहीं दिया था. अब इसको ऐसा कोट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि एज तो मेरा वही है, 6 महीने में तो मैं मतलब ज्यादा यंग भी नहीं हो गई ना, मैं वो हो गई हूँ. बट आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स कि नहीं, अब ये मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करना होगा, देन सब कुछ सही चलेगा. देखो देखो, सारा गेम ही अंडरस्टैंडिंग वाला होता है. क्यों लोग 100 साल में निर्वाण मिल जाता है, और क्यों 100 साल तक भी नहीं मिलता, तो ये तो वो अंडरस्टैंडिंग है. वो एग्जांपल था, तो वो चीज नहीं. प्रतिभा, यू आल्सो नो एज डजंट मैटर. जैसे मेमोरी का ना, एक उतनी ही मेच्योरिटी एक 22 साल के बच्चे में आ सकती है, जो एक 52 साल के या एक 62 साल के बच्चे में नहीं होती. समझ नहीं होती है. यस, सो एज डजंट मैटर. सो मैं बस, या नहीं सर, आप बोलिए. हाँ, मैं ये कह रहा था लास्ट में
एज डजंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स. तो ना तो ज्यादा एज ना कम एज, इससे फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं आज 50 साल का और मुझे समझ में आती है तो मैं आज शुरू कर सकता हूँ काम. आज मैं 20 साल का हूँ, मुझे समझ में आ गया, आज शुरू कर सकता हूँ. आज मैं 70 साल का शुरू, तो मैं आज शुरू कर सकता हूँ. इट डजंट मैटर व्हेन आई स्टार्ट, इट डजंट मैटर व्हाट द एज इज, द मैटर इज अंडरस्टैंडिंग. सो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग. देखिए एज हम अगर हम अपने बचपन से लेके आज तक को हम अगर उसको रिकॉल करना शुरू करते हैं तो हर 5 साल के बाद चेंज तो आता ही जा रहा है. आज 15 साल वाली प्रतिभा नहीं हूँ, आज मैं 20 साल वाली नहीं हूँ, 25 साल वाली नहीं हूँ. तो चेंज तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी टेम्परामेंट का है, परफॉर्मेंस वाइज या उस मतलब एक्सेप्टिंग वाइज वो थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है. अगर हम अपने पेरेंट्स को भी आज देखते हैं तो जो 30 साल में या 35 साल में मम्मी जिस तरीके से बिहेव करती थी, गुस्सा करती थी, आज वही मुझे उन्हीं बातों में समझा रही हैं. तो नाउ एक्सपीरियंस आपको बनाता है, सिखाता है और आपको उस लेवल तक ले जाता है कि हमने जो गलतियां की हमारे बच्चे वो ना करें, तो आज इससे हमको समझा पा रहे हैं. हम जो उनसे सीख रहे हैं हम अपने बच्चों को वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो देखो बात नहीं मानी. तो होती तो विद एज चेंजेस तो आते ही आते हैं. और आज की में इतने प्लेटफॉर्म है, इतना चीज है सीखने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेप्थ में जा चुकी है और जानने और सीखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ हो गया है और हम इजीली उसको एक्सेप्ट करके चेंज ला सकते हैं. आप सोचिए इसी को, जो 35 साल की चीज है, देखिए एज के साथ तो आएगा ही चीज, 100% वृद्धि प्रतिभा आता ही है. लेकिन अगर उस 35 साल को 3.5 years में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यू हैव 31.5 years टू लिव मोर बेटर. सो जस्ट मैथमेटिक्स कि आप जो 35 साल में जो आपको सीखना था वो आपने अगर 3.5 साल में समझ के अपने ऊपर काम शुरू कर दिया तो बाकी जो 31.5 साल है ना वो आप बेटर तरीके से बिता पाओगे. अदरवाइज सीखोगे तो आप फिर भी सीखोगे. बिल्कुल हाँ जी हाँ. वो सामने वाले की डिजायर है कि कितना जल्दी वो चाहता है अपने आप को पीस स्टेट में लाना. यस अगर मुझे मालूम है तो मुझे आज से ही अभी से ही अपने पर काम कर देना चाहिए. और अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ठीक है कहीं कहीं आपका स्टबर्न एटीट्यूड, कहीं आपकी ईगो, कहीं आपका इस तरीके का कि आप कहीं कहीं रिजिड हो जाते हैं तो हमको रिजिड नहीं होना है. उस चीज को अंडरस्टैंड करके जब हम ये सोच ले होई सोई रची राम रची राखा तो बस हो गया सब कुछ सही. फिर ना तो वो दुख का एहसास है ना कुछ का है, बहुत स्मूथली हम सेल कर लेंगे. और टू गिव दिस बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी टाइम ओवर टू गिव दिस अवार्ड जो भी बोला ना प्रतिभा ने कि राम रची राखा, ये बुढ़ापे में क्यों समझ में आता है, जवानी में क्यों नहीं आता है? ये है फर्क अंडरस्टैंडिंग. अगर यही चीज जवानी में समझ में आ जाए, यही चीज बच्चों को समझ में आ जाए, इस तरीके से नहीं अपने तरीके से साइंटिफिक वे से उनको समझ में आ जाए तो वो वही कर पाएंगे जो आज हम 70 के एज में करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कर लेंगे 20 साल एंड दे विल एंजॉय द लाइफ. सो ये बाद में क्यों समझ में आता है? बिकॉज हम इतना सारा कुछ करके अपनी तरफ से करके आते हैं. नाउ आज अगर हम बच्चों को वो चीज दे देते हैं and they it can shorten their struggle to find themselves. struggle to karni padegi uske bina nahi kaam chalega, lekin short kar sakte hain apni struggle by all this understanding and by all this. jo 35 saal hai usko 3.5 mein convert kar dijiye aap. now you are better, but this is not about kids, about us. agle 6 mahine yani by the age hum sab ke liye jo yahan 6 log hai na, ranjana ji, shiba, pratibha, rashmi and mega, hum kam se kam 5 अगले 6 महीने या 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है. बताइए क्यों? कोई आइडिया? बिकॉज वी नीड टू चेंज बिकॉज न्यू ईयर आने वाला है. तो हम अपने आप को स्पेक्यूलेट करेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हाउ फार वी हैव कम, हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड आवर सेल्फ. 2022 साइकोलॉजिकल एक आपको वे देता है एक नया कुछ करने का. सो 1 जनवरी सो हमारे पास 5 महीने है एंड प्रतिभा यही बात हमारी से हो रही थी राइट. हम जो बात कर रहे 5 मंथ, इन दिस 5 मंथ्स लेट्स डू आवर बेस्ट
not to change anything but to work on ourselves. That's it. And go in a new version in 2022. Take a new version. So that is psychological barrier. जिसको कि हम यूज कर सकते साइकोलॉजिकल एक पॉइंट होता है नया साल उसको हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फाइव मंथ्स एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर यूजिंग राइट सो आई नो द टाइम इज अप सो और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं बट टाइम इज काफी हो गया है सो थैंक यू सो मच फॉर आज गुरु पूर्णिमा है हम सब लोग एक दूसरे सीख रहे हैं और जैसा कि भूमा जी ने लिखा था कि हमारे सबके अंदर हमारे गुरु है और वो गुरु कनेक्टेड किससे होते हैं नेचर के साथ So when we are surrendering to nature, we are actually connecting with the Guru itself. So, हम सब अपने अंदर के गुरु को और जो कनेक्शन में है हमारे साथ उनको gratitude देते हैं और आज thank you all from my side, from Binu's side, कि आप लोग इस जर्नी में साथ चल रहे हैं आसान नहीं है इस जर्नी पे चलना लेकिन rewarding है It is 10 times difficult, 200 times more rewarding. And let's continue doing that. Continue working on that. Continue working on self. चाहे एक इंच आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए, right? And stay in touch. Let's meet in our group. In the next Feeling Friday, we'll take some more topics for more discussions, right? Any question as of now? Not question itself, but anything you want to say? बस मैं एक ही लाइन ऐड करूँगी. दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी. और गुरु पूर्णिमा के दिन में बस यही आशा करती हूँ कि हम बच्चे की तरह सीखते रहें और सिखाते रहें एक दूसरे को Absolutely. और बस अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहें That's great. Thank you. Yes. So, anything from your side, Megha? You want to say something? You're saying something. Yes, sir. Yeah, this only that grow करना है, grow ही करना है, अपने आप को समझना है और एक अच्छा इंसान बनना है. और इस चीज को स्प्रेड करना है एक सबके बीच साथ साथ एक हैप्पीनेस अगर हम खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे इसीलिए हम 30 अगस्त को सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी कर रहे हैं ह्यूमैनिटी का सेलिब्रेशन करते हैं लेट्स फाइंड आउट एंड टू टेल यू इफ यू वांट टू ब्रिंग एनीबॉडी एल्स हम उसको ओपन भी कर सकते हैं एनीबॉडी एल्स कैन कम यू नो टू ज्वाइन अस जस्ट कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म किसी का आने जाने का टाइम नहीं है वी विल फिक्स अप अ टाइम 11 बजे का टाइम है 11 से 12:30 का एनीबॉडी कैन कम एनीबॉडी कैन गो सो इफ यू वांट टू पुट समबडी ऑफ योर पार्डन फॉर व्हाट 11 से 12 का टाइम हम लोग 30 अगस्त का रंजना जी एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं गेट टुगेदर ऑफ फीलिंग फ्राइडे 30 अगस्त राइट गेट डिस्कस किया गेट टुगेदर ऑफ फीलिंग फ्राइडे ग्रुप ओके 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 राइट सो उसको ओपन रखते हैं Anybody can come and anybody can go anytime. No restrictions of time, just discussing, just sharing things and just having something of the others, you know, kuch na kuch karte. Right, Pratibha? You want to say something? Sirf itna hi ki jo aaj humne baat ki surrender karne ki aur mujhe aaj aisa ehsaas ho raha hai ki that almighty itself wants from us कि हमें चेंज करना है और हमें सरेंडर कर देना चाहिए हमको जो ये वाला प्लेटफॉर्म मिला है ये कहीं से गाइडेड प्लेटफॉर्म है right. तो हमें उस चीज को कर लेना चाहिए कि ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू चेंज आवर सेल्फ एंड वी आर गोइंग टू हील आवर लाइफ दिस इज फॉर आवर बेटरमेंट तो आज से और अभी से हम ये समझ जाएं कि जो डायरेक्शन है वो ऊपर से है तो अब हमें ऊपर जो बैठे हैं भगवान ऑलमाइटी सुपर नेचुरल पावर अब हमें उन पर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए एंड वी गोइंग टू गेट अ बेटर 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 लाइफ एब्सोल्युटली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इट इज बीइंग डन राइट ये हो रहा है हमारे थ्रू हो रहा है सो इट इज नॉट लाइक अस हमारे थ्रू हो रहा है लेट्स यूज इट लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट शिवा आई नो यू कांट टॉक बट थैंक यू फॉर बीइंग देयर साइलेंटली इतना साइलेंटली प्रेजेंट रहना भी आसान नहीं होता थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट नेक्स्ट फ्राइडे एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय साइड लेट्स मीट देन राइट टेक केयर देन बाय थैंक यू सर थैंक यू सर बाय 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 एवरीवन बाय बाय थैंक यू बाय बाय